क्यों श्यामलाल, कैसे हो? ओ नमस्ते डॉक्टर साहब, अब बस जीने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर किसी मरीज से मिलने गए थे। हाँ, एक जरूरी केस था, रास्ते में तुम्हारे घर भी होता आया हूँ। मेरे घर? डॉक्टर साहब, पिछले कई महीनों की फीस तो भी बाकी। बार बार फीस का जिक्र मत किया करो श्यामलाल, तुम्हारी मुन्नी तो अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, जरा बीवी का ख्याल रखा करो, अंदर की बीमारी उसे खाए जा रही है। डॉक्टर साहब, जब आदमी खुद ना खा सके तो फिर उसे बीमारी खाना शुरू कर देती, और फिर गरीबी के रोग का इलाज भी तो नहीं। डॉक्टर साहब, सच कहते हो तुम, लेकिन श्यामलाल, मैं तो सिर्फ शरीर के रोग का ही इलाज कर सकता हूँ। फिर भी तुम हिम्मत ना हारो। खजाना नहीं मांगते, सिर्फ उनकी नौकरी मांगती हूँ, दो वक्त का खाना, तन पे सादे से सादा उजला वस्त्र, और इस घर में शांति मांगती हूँ। किससे मांग रही हो? इस मूर्ति से? आज तक कुछ दिया है? बल्कि फूलों के हार और अगरबत्तियों का उधार सर पे चढ़ गया है। देखिए, इस तरह जगत पिता को दोष न दीजिए। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ मनोरमा, मैं तो ये कहता था कि तुम्हारे बंसी वाले किसी दफ्तर के हेड क्लर्क होते तो कम से कम मुझे नौकरी ही दे देते। तो क्या आज भी कुछ नहीं हुआ? मैं एक अच्छी खबर सुना, डॉक्टर साहब आए थे, कह रहे थे मुन्नी बिल्कुल ठीक हो गई है। और ये नहीं कहा कि मुन्नी की माँ को बचा लो, अंदर ही अंदर उसे कोई रोग खाया जा रहा है। मुझे क्या हुआ है, अच्छी भली तो हूँ, आप तो यही मेरी चिंता करते हैं। मैं सच कहती हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। मनोरमा, अपने आप को धोखा देने से क्या फायदा? तुम्हारा सबसे बड़ा रोग तो मैं हूँ। शादी से लेकर अब तक मैंने तुम्हें क्या दिया? भूख, फाके, बीमारी, अशांति। ऐसा न कहो, मैं जानती हूँ मुझे आपके चरणों में कितनी शांति मिलती है। आप मुझे कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। लेकिन प्यार से पेट तो नहीं भरता मनोरमा। सुनो, मेरा तो इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं। तुम मेरे बेकारी के ये दिन लखनऊ अपने मामा के पास काटो, नौकरी मिलते ही तुम्हें बुला लूंगा। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। 15 साल से मामा को देखा तक नहीं, सिर्फ इतना पता है कि लखनऊ में रहते हैं। मनोरमा, देखो जिद मत करो, मेरे लिए नहीं मुन्ने की खातिर चली जाओ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप क्यों ऐसा सोचते हैं? कल रात भी मैंने सपना देखा कि आपको नौकरी मिल गई, मुन्नी बाल झूल रही है, मेरे हाथ में रेशम की डोरी, और मैं मुन्नी को लोरी गाकर सुला रही हूँ। मनोरमा, 2 महीने पहले ऐसे सपने तो मैं भी देखता रहा हूं। मुन्नी की इस फोटो को देखकर सोचता था, मुन्नी बड़ी हो गई है, एमए में फर्स्ट आई है, समाज भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। देख लेना, एक दिन ये सब सपने सच निकलेंगे। आज की मुश्किल तो हल नहीं हो रही, और तुम आने वाले जमाने का अंदाज लगा रही हो। क्यों नहीं, आखिर मैं मुन्नी की माँ जो हूं, माँ का दिल दर्पण होता है, उसमें आने वाले दिनों की परछाई नजर आती है। मनोरमा, मानता हूं तुम्हारे सब्र को, इस मुसीबत और बेकारी में अगर तुम्हारी इन मीठी बातों में सहारा ना दिया होता तो हम कब के मिट गए होते। साईं जो राखनहार है, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। श्यामलाल जी। अरे कौन है भाई? पोस्टमैन। पुराने कपड़ों के दिन गए, मुझे नौकरी मिल गई है। ये देख। भगवान, आखिर तुमने मेरी लाज रख ली। मुन्नी, मुन्नी, मुझे नौकरी मिल गई। ये देख बेटा, मुझे नौकरी मिल गई। अब तुझे ग्वाले का पानी मिला हुआ दूध नहीं पीना पड़ेगा। तेरे बाप को पूरे 300 रुपए महीने की नौकरी मिली, पूरे 300 रुपए महीने के बेटा, पूरे 300 रुपए महीने के। देखा,
आखिर रुलाए ना मुन्नी को? नहीं नहीं, वो जानती है कि बाबूजी को नौकरी मिल गई, इसीलिए खुशी के मारे आंसू नहीं रोक सकी। मुन्नी, तू भी तो इसलिए रो रही है। मगर कल तो आप मुझे मामा के यहाँ लखनऊ भेज रहे थे। अरे भाई, जाने कौन देता, तुझे छोड़कर मैं कभी अकेला रहा हूँ? अच्छा बता, पहले महीने की तनख्वाह से तुझे क्या चाहिए? कंगन, बनारसी साड़ी? मनो, तेरे जितने अधूरे अरमान है सब पूरे कर दूंगा। इस उम्र में ये छेड़? अरे मनो, छेड़छाड़ की उम्र तो अब शुरू हुई है, भूखे पेट कभी प्यार हो सकता था? अब की तनख्वाह मिलते ही तेरे लिए दवाई लाऊंगा और मुन्ने के लिए फल खिलाने। हाँ, सारी दुनिया उठा के ले आना। पता चला तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। क्यों भैया, मौसम्बी कैसे दिया? दो रुपये डजन। दो रुपये डजन? अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, लाओ एक डजन। आइए आइए, मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाऊं कि आप देखते रह जाएंगे। सुनिए सुनिए। क्या है? इस मकान का नंबर 17 है ना? कभी था, अब नहीं। अब तो म्युनिसिपल कमेटी के इनायत से नंबर 21 है। 21? लेकिन हरिदास वर्मा यहीं रहते हैं ना? कभी रहते थे, अब नहीं। अब तो भगवान की दया से ऊपर के रहीश है। मेहरबानी करके ऊपर जाने का रास्ता बताएंगे? वो रास्ता तो मुझे भी नहीं मालूम। उस रास्ते से जो गया फिर लौट कर नहीं आया। मेरा मतलब है, 8 महीने हुए हरिदास जी ये मकान और दुनिया छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए। प्यारे हो गए? देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे थोड़े दिनों के लिए कमरा दे देंगे, आपके घर का भी सब कामकाज कर दिया करूंगी। मैं हरिदास जी की भांजी हूं। जरूर होंगी, लेकिन जब मैंने हरिदास जी से मकान खरीदा था तब ये शर्त नहीं रखी थी कि मकान के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी आसरा दूं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ नन्ही सी जान है, अकेली होती तो कहीं भी गुजर कर लेती। माफ कीजिए, अभी कुआरा हूं। औरत पहली बार इस घर में कदम रखे और वो भी एक अदद बच्चे के साथ, कुमारे को ये गवारा नहीं। आप तशरीफ ले जाइए, जाइए जाइए। आइए आइए, देखिए देखिए कितने नन्हे नन्हे बच्चे हैं। कितने सुंदर बच्चे हैं। मिस्टर वर्मा, इसमें से एक मुझे दे दीजिएगा, फिर मुझे भी देख दीजिएगा। या कहते हम इंसान नहीं, या मान जा तू भगवान नहीं, या कह दे हम इंसान नहीं, या मान जा तू भगवान नहीं, या कह दे हम इंसान नहीं, या मान जा तू भगवान नहीं। खुशी से आए नहीं, दुनिया में हमें तू लाया है।
खुशी से आए नहीं, दुनिया में हमें तू लाया है, ये सच है अगर तो फिर हमसे क्यों दूर तेरी छाया है, क्या हम तेरे मेहमान नहीं, या कह दे हम इंसान नहीं, या मान जा तू भगवान नहीं। धूप तो दी लेकिन खुशियों की कभी बरसात न दी, ये गम की धूप तो दी लेकिन खुशियों की कभी बरसात न दी, जो चैन की नींद में कट जाती कभी एक रात न दी, क्या अपना कोई अरमान नहीं, या कह दे हम इंसान नहीं, या मान जा तू भगवान नहीं। कभी दिल कहता है अच्छा है अगर हम मर जाएं, घबरा के कभी दिल कहता है अच्छा है अगर हम मर जाएं, मरना भी तो तेरे हाथ में है, ये भी कैसे कर जाएं, जीना भी कोई आसान नहीं, या कह दे हम इंसान नहीं, या मान जा तू भगवान नहीं, या कह दे हम इंसान नहीं, या मान जा तू भगवान नहीं। दवा की कोई जरूरत नहीं, अच्छी खुराक की जरूरत है। तुम इस बच्चे की मां हो ना? हाँ। इसे अगर बचाना चाहती हो तो कुछ अच्छी चीजें खिलाओ, दूध फल का रस वगैरह, नहीं तो नहीं, नहीं। मैं इसे सब कुछ खिलाऊंगी, दूध फल सब कुछ, सब कुछ, कुछ। बच्चे की मां हो ना? हाँ। इसे अगर बचाना चाहती हो तो कुछ अच्छी चीजें खिलाओ, दूध फल का रस वगैरह, नहीं तो नहीं, नहीं, नहीं। Thank you.
ये क्या? तलवार, तलवार, शिबू, शिबू। क्या है वाले? शिबू देख तू यहाँ कोई अपना बच्चा छोड़ गया। अच्छा, छी 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 छी। न जाने ऐसी कौन माँ होगी जो अपनी औलाद का बच्चा छोड़ दे। ये बच्चा यहाँ कौन छोड़ गया? रामदेव को नहीं आया था? यहाँ कोई नहीं आया तो क्या ये बच्चा आसमान से टपक पड़ा? ये तो सर्दी के मारे कांप रहा है। अच्छा अंदर ले। अच्छा चाय पी के कर दूंगा। शिबू मैं फोन करने जा ही रहा था कि इसने मेरा गाउन पकड़ लिया और ये खामोशी से इल्तिजा कर रही है कि पुलिस मत बुलाओ। सेठ जी आपका दिल बच्चों जैसा है। शिबू कौन जाने पुलिस इसकी माँ बाप की तलाश न कर सके और इसे यतीम खाने में भेज दे। यतीमों का घर यतीम खाना होता है सेठ जी। देख शिबू तूने कभी ये सोचा है कि इस घर में किस चीज की कमी है? किस बात की कमी है मालिक? भगवान का दिया सब कुछ तो है। हाँ भगवान ने इतना दिया है कि मेरे बाद खाने वाला कोई और फिर कौन जाने इस बच्ची का इस घर में आना शायद कोई बेहतरी हो। इस शहर में सिर्फ मेरा ही मकान नहीं हजारों मकान है फिर बच्चा मेरे ही मकान पर छोड़कर क्यों गया? अब इस मासूम को कैसे पता चला कि मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूं? शिबू किसी गैबी ताकत ने से जरूर कहा है कि मुझे रोक ले। लेकिन मालिक कौन जाने ये को? न जात पात का पता है न माँ बाप का। बच्चों की कोई जात पात नहीं होती शिबू सब भगवान के बेटे होते हैं। लेकिन आप दुनिया से क्या कहेंगे कि ये आपकी कौन होती है? आज से ये मेरी बच्ची है। कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं लखनऊ का कारोबार बेचकर मैं बंबई चला जाऊंगा। 20 साल पहले जब मैं बंबई से लखनऊ आया था तब मेरे पास सिर्फ तन ढापने के लिए कपड़े थे और अब इतनी दौलत है कि हिसाब रखना भी मुश्किल है। एक तुम्हारी मालकन थी 6 महीने हुए वो भी हमेशा के लिए चली गई। अब मैं दौलत किसके लिए कमाऊं? शिबू मैं बच्ची को लेकर बंबई चला जाऊंगा। मालिक एक तो तू जानता है मेरा कोई खास रिश्तेदार नहीं। अगर दुनिया पूछेगी तो कह दूंगा इसकी मां मर चुकी है और ये उसकी निशानी है बस किसी को शक भी नहीं होगा। तो बच्ची को संभाल मैं किसी आय का इंतजाम करने जा रहा हूं। भगवान तेरी माया परम्पार है। ड्राइवर गाड़ी रोको। ये लो। मैं भिखारी नहीं हूं सेठ जी मुझे कोई नौकरी चाहिए। नौकरी? कैसी नौकरी? जी मैं घर का सब कामकाज कर सकती हूँ खाना पका सकती हूँ बच्चे को खिला सकती हूँ। बच्चा? इससे पहले कहीं बच्चा खिलाया तुमने? जी हाँ एक साथ थे वो चल बसे इसलिए वो घर छूट गया। ओह अच्छा आओ मेरे साथ। ड्राइवर गाड़ी अंदर ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ आओ। ओले नहीं 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 बेटे नहीं नहीं ओ ओ ओ ये है मेरी बच्ची इसकी माँ गुजर चुकी है इसे संभाल सकोगे? क्यों नहीं मालिक क्यों नहीं? ये बहुत रोती है अबे कभी नहीं रोएगी।
ये तो सचमुच चुप हो गई। बहुत दिनों से मां का प्यार नहीं मिला इसे, किसी भी औरत को देखकर खुश हो गई। शिबू, बेबी के लिए मैंने ये आय रख ली है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोरमा। अच्छा शिबू, आया को इसका कमरा दिखा दो और कुछ कपड़े उपड़े बंदोबस्त कर दो। आओ बहन। इसे नींद आ रही है, सुला दो फिर देख लूंगी। इसका झूला कहाँ है? झूला? ये झूले में सोने की आदि नहीं, पहले माँ के पास होती थी, अब मेरे पास। अच्छा शिबू, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। सेठ जी, बेबी को दूध पिलाने वाली बोतल कल रात टूट गई है, उसे लेते आइएगा। दूध पिलाने वाली बोतल? ओ हाँ हाँ, दूध का डब्बा भी तो खत्म हो गया ना, वो भी लेता आऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शिबू शिबू, तैयार हो गए मालिक? ये लो। ये क्या है मालिक? 5,000 रुपए हैं। अपने गांव जाकर जमीन लेकर मजे से रहना। तो क्या आप मुझे बंबई नहीं ले जा रहे हैं मालिक? मैंने तो अपना बोरिया बिस्तर भी बांध लिया है। शिबू, तुम इतने दिनों से मेरी खिदमत करते आया हो, अब मैं तुम्हें इतनी दूर लेकर कहां? मालिक, मुझे आपने बुलाया? हाँ आया, ये लो। ये क्या? इसे तनख्वाह समझो या इनाम, मैं मुन्नी को लेकर आज ही बंबई जा रहा हूं। बंबई? मालिक, मुझे साथ नहीं ले चलेंगे? नहीं आया, बंबई में बहुत आया मिलती है, फिर यहां से ले जाने क्या जरूरत? नहीं नहीं मालिक, मुझे मेरी बच्ची से अलग न कीजिए। दो चार दिन में मुझसे ऐसी गुल मिल गई है जैसे मेरी ही बच्ची है। वो मेरे बगैर रह सकेगी लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी मालिक। मैं जानता हूं आया, लेकिन पराई औलाद से इतना प्यार बढ़ाना ठीक नहीं। ये लो, कहीं नौकरी कर लेना, और हाँ मुन्नी को जल्दी ले आओ, गाली छूटने में वक्त नहीं है। मालिक, एक बात कहूं? कहो शिबू। मेरी बुद्धि तो कहती है मालिक, आप मनोरमा को साथ ले जाइए। एक तो मुन्नी उससे घुल मिल गई है, और दूसरे आया साथ होगी तो दुनिया यही समझेगी कि मुन्नी आपकी बेटी है। फिर मनोरमा भी तो यही कहेगी कि मालकिन गुजर गई है और मैं बच्ची की देखरेख करती हूं, मुफ्त का गवाह मिलता है, क्यों छोड़ते हैं मालिक? शिबू, बात तो माकूल है। अच्छा आया से कह दो, वो भी मेरे साथ चल रही है। अच्छा मालिक। मनोरमा बहन, मनोरमा बहन, सेठ जी ने कहा है। हाँ शिबू भैया। क्यों भाई, सेठ जगत नारायण का घर ये भी है? हाँ चंदन, आपको क्या चाहिए? दिनों के बाद देखा इसलिए पहचान न सका। भाई तो बहन को भूल ही जाते, लेकिन बहन कैसे भूल सकती?
20 साल से तुम्हारा इंतजार करते करते आंखें खराब हो गई। लाली, मामा के पैर छू बेटा, पैर छू। जीते रहो। टैक्सी का किराया? भैया, मैं टैक्सी में आई, उसका किराया दे दो। ओ, ले बेटा, उसे दे दो। किसका बच्चा है? मेरी लड़की है। तुम्हारी भाभी यही निशानी छोड़ गई है। हाँ राम, वारी जाओ, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल पाई है। मैं तो इसे काला टीका लगाऊंगी। ये कौन है भैया? मुन्ने की आया। अब आया वाया की क्या जरूरत है? जाओ जाओ, आज से तुमको छुट्टी। देखो रुक्मणी, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन ये घर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, समझी? अच्छा भैया, लेकिन मुन्नी को मैं अपने पास रखूंगी, एक नौकरानी के पास मैं इसे नहीं रहने दूंगी। तुम घोड़ा बैठ कर सो रही हो, दूध पिला उसे। हाँ पिलाया, उसको कहाँ पिलाया माँ, वो दूध तो तुमने मुझे पिला दिया था। रुक्मणी, मनोरमा जो काम कर रही है उसे करने दो, और घर जिस तरह चल रहा ठीक है, पर बात में दखल देने की जरूरत नहीं है। माँ तुम झूठ क्यों बोली? अरे चुप, माँ का बच्चा मुझे छोड़कर रह सकती मेरी रानी बेटी? कभी मैं तुझे छोड़कर रह सकती हूँ, इसलिए रो रही थी ना। जल्दी से दूध पी लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। नहीं पीऊंगी, पहले गाना सुनाओ। देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, जिद छोटे बच्चे किया करते हैं। क्यों, बड़े बच्चे जिद करते हैं तो क्या पुलिस पकड़ लेती है? पुलिस की क्या मजा, जो मेरी रानी बेटी की तरफ देखे भी। फिर तो मैं जिद करूंगी, सुनाओ गाना। देखो ये स्कूल जाने का वक्त है, बेचारा ड्राइवर कब से इंतजार कर रहा है। तो फिर रात को सुनाओगी? हाँ हाँ, एक नहीं दो दो, बस लो एक ही सांस में खत्म कर लो। लाली ने दूध पी लिया? पी भी लिया और स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो गया। चलो जल्दी करो। सरिता, देख लाली आ गया। अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुई? ओहो जल्दी करो जल्दी करो, पढ़ाई में इस तरह से गफलत नहीं करनी चाहिए। जा जा, शर्म नहीं आती? क्या साल से तो एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसमें शर्माने की क्या बात है? हमारे टीचर भी तो 4 साल से हमारी क्लास में पढ़े हुए हैं। चलो जल्दी चलो, चलो चलो बेटे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लाली, ओ लाली,
आ गए बेटा। मम्मी आए नहीं तो क्या जा रहे हैं? अरे चुप। आया कहाँ है? उसे कहो के खाना ला, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। वो तो खा पी कर सो गई बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। माँ ये लो लाली, लो बेटे। आया तुम बहुत अच्छी हो, यू आर ए फर्स्ट क्लास। ए लाली, इंग्लिश में बिल्कुल गधा है, गधा। जी सरिता, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़े भाई को गधा नहीं कहते। करेक्ट, आया ठीक कहती है, गधा तो छोटे भाई को कहते हैं, बड़े भाई को नहीं, बड़े भाई को उल्लू कहते हैं। उल्लू तो तुम हो, बताओ हॉरिबल का मतलब क्या होता है? हॉरिबल, हॉरिबल कोई ऐसी भी है जैसे मेरी मम्मी, मेरी माँ। लाली, ऐसा शब्द मुझसे निकालना पाप है, माँ बहुत पवित्र चीज होती है। बेटी, तुम्हारी माँ बहुत दुख से मरी है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? आया तो तुम मुझे अपनी माँ कहकर पुकारा करो। एक बार माँ कह दो बेटी, कह दो। तुम तो मेरी आया हो। आया, कल स्कूल में मेरा ड्रामा है, देखने आओगी? नहीं बेटी, घर का कामकाज कौन देखेगा? अच्छा, तो फिर मैं यही करके बताऊंगी। आओ आओ ना, यहाँ बैठो। समझ लो ये है स्टेज और सामने हजारों आदमी बैठे हैं, और मैं दौड़ कर आऊंगी। अब तुम कहना क्या है बेटी? अच्छा, लेकिन घबराना नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, रेडी? रेडी। माँ माँ, अरे चुप क्यों हो गई? सब भूल गई? अच्छा चलो फिर से। माँ माँ, thank you.
मामा जी सरिता का डांस कितना अच्छा हुआ, देख लेना फर्स्ट प्राइज सरिता को मिले। साइलेंस साइलेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे कॉलेज की रजत जयंती पर जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किया गया उसमें पहला इनाम इंटरमीडिएट की स्टूडेंट मिस सरिता को दिया जाता है। मिस सरिता, डैडी मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैंने रिहर्सल भी तो ठीक से नहीं की थी। बेटी रिहर्सल तो अनाड़ी करते हैं। डैडी आप मुझे क्या प्राइज देंगे? मैं प्राइज दूंगा, सरप्राइज भी दूंगा। डैडी कहिए ना। चलो घर पर चलो। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, आया आया आया, देख मैं क्या लाया, वो आया आया, देखो मैं क्या लाया। अभी क्या हुआ? बताता हूँ, आज मुझे कॉलेज में फर्स्ट प्राइज मिला है। कब? ए लाली, तुझे कहाँ मिला है? ये तो मुझे मिला है। तुझे कहाँ मिला है? अरे बाबा तुझे मिला मुझे मिला एक ही बात है। ठीक ही तो कह रहा है। आया जानती हो आज प्रिंसिपल ने सरिता की तारीफ में इतना बड़ा लेक्चर दिया। अच्छा। बोलता था चश्मा ठीक करके। सलील सलील, ए लेडी एंड जेंटलमैन। आगे क्या कहा? वो तू नहीं समझोगी। ए तू समझा? यस। ओह नो नो नो, ये कप कहाँ रखूं? सर पर। ये कप मेरी बेटी को मिला है इसलिए मेरे कमरे में रहेगा। करेक्ट। जाओ रखाओ। झनक झनक पाए। डैडी कहाँ है मेरा इनाम? अच्छा एक मिनट के लिए आंखें बंद करो। खोला नहीं। चलो अब आंखें खोल दो। डैडी कितने अच्छे हैं मेरे डैडी। कितने का है ये? कीमत जानना चाहती हो? 6,000 रुपए का। 6,000? इतना खूबसूरत है ना आया? हाँ बेटी। देखो कॉलेज में मुझे कप मिला, इस खुशी में डैडी ने मुझे पियानो दिया, तुम क्या दोगी मुझे? बेटी मुझ गरीब के पास इसके सिवा कुछ नहीं है। जानती हो सरिता आया किस तोहफे की कीमत क्या है? क्या कीमत है? 6,00,000 रुपए। जानती हूँ डैडी, पिछले 17 साल से आया मुझे रोज 6,00,000 रुपए देती रही है और कभी कभी तो 12,00,000 भी हो जाता है। अच्छा। बेटी अब तुम्हारा इम्तिहान नजदीक है, संगीत को छोड़कर कुछ दिन पढ़ाई कर लो, पढ़ाई शौक से पहले होना चाहिए। आया जहाँ तुझे मौका मिलता है नसीहत देने लग जाती है। अरे यही तो उसके खेलने कूदने के दिन है और हमारी बेटी को लिख पढ़ कर क्या कहीं नौकरी करना है। हाँ मुझे तो पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। जी बेटी इस तरह जवाब नहीं देते, आप सरिता को पढ़ाने के लिए एक मास्टर रख दीजिए। मनोरमा ठीक कहती है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर बताऊँ। और पियानो सिखाने के लिए? उसके लिए भी इश्तेहार में देता हूँ। भैया मेरे देवर का एक है, वो पियानो बहुत अच्छी तरह जानता है, उसे खत लिख कर बुला लेती हूँ। वो इतना अच्छा बजाता है कि जंगल के जानवर भी मस्त हो जाते हैं। तुम्हारे देवर का लड़का क्या जंगल में पियानो बजाता है? सरिता फिर बुजुर्गों से मजाक कर रही हो? अरे तुझे क्या पड़ी है, इसके जो जी में आएगा कहेगी, तू डांटने वाली कौन होती है? इनके जो जी में आएगा वो कहेंगे, तुम डांटने वाली कौन हो? बस बस रहने दो, मैं कल ही अखबार में टीचर के लिए इश्तेहार दे देता हूँ। लेकिन टीचर जरा उम्र वाला होना चाहिए, अगर वो बुजुर्ग नहीं हुआ तो ये उसका कहा नहीं मानेगी। ठीक है इश्तेहार में लिख दूंगा टीचर बूढ़ा होना चाहिए। डैडी मुझे मूछ वाला टीचर नहीं पसंद। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ तू मुझे भी नहीं पसंद करती है? डैडी मैंने ये कब कहा, मुझे मेरे मूछ वाले डैडी बहुत पसंद है, मूछ वाला टीचर नहीं पसंद। मामा जी मामा जी। आज कहाँ तक दोगी तुम? हाय
भी तुम। अजी हजरत घर पर हैं? हाँ? यार सुबह सुबह फारसी कौन बोल रहा है? पधारिए श्रीमान। ओ धर साहब आप? आदाब नजर आए साहब। आदाब। मिजाज शरीफ। बस इनायत है आपकी, तशरीफ रखिए। वे कैसे आना हुआ? अरे भाई सुबह क्या और शाम क्या, सदाबहार का पर्चा प्रेस में जाने के लिए तैयार पड़ा है, सिर्फ आपकी कविता का इंतजार है। दर साहब नहीं नहीं नहीं, आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा, अगर कोई बहाना किया तो बाल बच्चों को लेकर आप ही के घर आ पहुंचूंगा। कविता तो हो गई थी दर साहब, लेकिन क्या बताऊं होते होते रह गई। वो पहले ये बताइए इस वक्त आपकी जेब क्या कहती है? वो बेजबान क्या कहेगी, घर से जब निकला था तो 13 आने थे, 4 आने बस की नजर हो गए, बाकी 9 आने जेब में पड़े पड़े मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये दौलत बहुत बुरी चीज है दर साहब, जेब में रहे तो चोर उचक्के पीछे लग जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप उस नुक्कड़ वाले हलवाई से 1-2 दर्जन समोसे ले आइए, इतने में मैं आपका काम करने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई अगर पता होता कि समोसे से काम बन जाएगा तो सदाबहार के साथ साथ एक समोसे की दुकान भी खोल लेता। हजरत आप कागज कलम संभालिए, मैं समोसे लेके अभी आया। वीना ये चोरों की तरह कहाँ खिसक रही है? कॉलेज जा रही हूँ भैया, डरती थी कहीं तुम मुझे पकड़ कर अपनी कविता ना सुनाना शुरू कर दो। ओ तो तू मेरी कविता सुनने से घबराती है? कविता तो कविता है भैया, हर रोज एक ही किस्म की दाल सब्जी खाकर भी आदमी तंग आ जाता है। क्यों, मैं तो हर रोज तुझे नई कविता सुनाता हूँ, परसों दिल की आग सुनाया था, कल दुल्हन का राग। हाँ हाँ लेकिन भैया मैं तो उस कविता को मानती हूँ जिसे सुनकर सरसों का साग भी मिले। ओ वीना वो देख तो क्या है, बड़ी बात तो नहीं हो गई है तू? ओ छोड़ दो भैया छोड़ दो, एक शर्त पर। हाँ हाँ। 2 कप चाय का बंदोबस्त कर दे। अरे बाप रे मुझे मार थोड़ी खानी है, आज दीदी बहुत गुस्से में है। दीदी आज सुबह जो तुमने चाय बनाई थी वो कौन सी थी? क्यों क्या बात है? चाय तो तुम हर रोज ही बनाती हो और मैं पीता हूँ, लेकिन आज कुछ और ही मजा था, खुशबू की लपटें निकल रही थी चाय से। मैं दरअसल यही कह रहा था। अब और चाय वाय नहीं मिलेगी। तुम क्या समझती हो कि मैं चाय मांगने के लिए आया हूँ? तो क्या रसोई में चूल्हा जलाने आया था? सुबह से 3 प्याले चाय पी चुका है। अच्छा चलता हूँ। कितने प्याले चाहिए? दीदी क्या जरूरत है? जरूरत है या नहीं, 2 प्याले भेज देती हूँ। 2 प्याले मगर दर साहब तो एक ही पियेंगे। अच्छा अगर तुम मजबूर करती हो तो मैं भी एक पी लूंगा। हाँ हाँ मुझ पर बहुत एहसान करेगा, जा भेज देती हूँ। लीजिए हजरत गर्मा गर्म समोसे। ओ ले आए आप? जी हाँ, राधे श्याम हलवाई कह रहा था कि कवि कालिदास जी भी उसके दादा की दुकान से समोसे खरीदा करते थे। बड़ा झूठा है वो, उसके दादा तो शराब बेचते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार वहाँ मिर्जा गालिब को शराब पीते देखा है। आहिस्ता बोलिए राही साहब आहिस्ता बोलिए, खामखा हिंदी उर्दू का झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसी झगड़े को मिटाने के लिए मैं आधा सदाबहार उर्दू में आधा हिंदी में छापता हूँ। तो लाइए एक समोसा ही चखा जाए। नहीं किबला, पहले जरा कविता की एक झलक दिखलाइए। अच्छा दर साहब तो अब आप भी बिजनेस पर उतर आए? लानत भेजिए उस मर्दूत पर जो आपसे बिजनेस करे, नहार मुंह हूँ, पहले आपके कलाम का मजा चखना चाहता हूँ। अच्छा सुनिए, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं मैं खुद बेघर बेचारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बादल और आवारा, भाई राही साहब बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं आप भी। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, इसके आगे क्या फरमाया था? कैसे किसी का, भाई वाह, बाकी बाद में सुनूंगा, अभी समोसे खत्म हो रहे हैं। अरुण तस्लीम अर्ज करता हूँ आपा। नमस्ते दर भाई, चाय लीजिए। शुक्रिया। लो अरुण आपकी भाभी ने ये समोसे भेजे हैं, राही साहब को बहुत पसंद है।
जब कभी भी मेरे घर पर तशरीफ ले जाते हैं बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, मैं तो समझती थी जो कविता खाकर ही अपना पेट भरते हैं। पापा, कविता रूह की खुराक है, आत्मा का भोजन। अपने दोस्त से कहिए ना, आत्मा का भोजन तो बहुत हो चुका, सिर्फ पेट भोजन की भी सोचा करें। राही साहब, अदीब की आपा हो या साहित्यकार की बहन, चूल्हा दोनों के घर नहीं जलता। हाँ दर साहब, खेत अदीबों के भी होते हैं लेकिन वहां तो सिर्फ भूखी उगती है। कहिए, ये आखिरी समोसा है, आधा आधा हो जाए। दो भूखों से तो अच्छा है एक का पेट भर जाए। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या देख रहे हैं हजरत? दर साहब, एक इश्तहार है, किसी रईस के घर में जवान लड़की को पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत है। पता भी लिखा है लेकिन कागज कुछ फटा सा है। कौन जाने ये रद्दी अखबार कितने बरस का है, और उस लड़की की तालीम खत्म होकर शादी भी हो चुकी हो। तो क्या हुआ, हम उसके बच्चों को पढ़ा देंगे। बहरहाल अर्जी भेजने में क्या हर्च है। दर साहब, कागज पेंसिल लीजिए और एक मजमून तो बना दीजिए। अभी लीजिए बंदा नवाज, कोई खत उनको लिखवाए तो वो भी हमसे लिखवाए, हुई सुबह इधर और कान पर रखकर कलम निकले। पिताजी। क्या है बेटी? ये देखिए, ऐसा जान पड़ता है आजकल बेकारी कुछ ज्यादा है, इश्तिहार के जवाब से हर रोज डाक से पुलिंदे का पुलिंदा आ जाता है। बेटी, हमें टीचर भी तो बूढ़ा चाहिए, और जाहिर है बूढ़े ज्यादा बेकार होंगे। हाँ, पियानो टीचर के लिए कोई ऐसी आई? परसों एक अजीब खत आया था, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था, अखबार में इश्तिहार पढ़कर अर्जी पेश कर रहा हूँ, अरुण कुमार, मैंने उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो पियानो टीचर की अर्जी थी? हाँ, कोई अरुण कुमार तो आपसे मिले हैं। अरुण कुमार, वो बूढ़ा या जवान? जवान। तुमने ठीक ही समझा बेटी, वो पियानो टीचर है, जाओ से मिलो। आप ही मिल लीजिए ना। नहीं बेटी, ऐसे छोटे मोटे इंटरव्यू तुम खुद दे लिया करो, मैं तो जब तुम्हारी शादी के लिए उम्मीदवार आएगा कोई, उससे इंटरव्यू लूंगा। दादी। ये क्या हो रहा है? सत्यानाश, अरे मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। क्या मतलब? ये क्या है? वैनिशिंग क्रीम। वैनिश मैंने? वैनिश मैंने गायब हो जाना। तब तब फिर मैं तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा हूं? मैंने तो इसे अपने मुंह पे मला है, मुझे तो गायब हो जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं तो बताओ मेरा नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। तब फिर तुमने मुझे कैसे देखा? तुम झूठ बोलते हो। ए मिस्टर, तुम मुझे देख रहे हो? हूं, तो बताओ मेरा नाम क्या? राम। मुझे नहीं मालूम। तब अच्छा, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरुण। अरुण नाम अच्छा है लेकिन जरा पुराना है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लाली। नाम तो ये भी पुराना है। हाँ, अगर लॉली पॉप, मैं तो जाऊंगा। फिर आप आए क्यों थे? अब कभी नहीं आऊंगा। बाप रे, ये तो बिल्कुल पागलखाना है। क्या कहा जी? आपको अखबार में ये भी लिखवा देना चाहिए था कि एक पागल लड़की को पढ़ाने के लिए पागलखाने में एक टीचर की जरूरत है। तो क्या आप पढ़ाने के लिए आए हैं? और नहीं तो मैं गाने बजाने के लिए आया था। सुनिए, सुनिए तो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। पागल मैं नहीं हूँ, पागल आप हैं। देखिए, ये इश्तहार में साफ साफ है कि जर के लिए पियानो टीचर थी, और पढ़ाने के लिए एक ऐसा टीचर जो कि एमए पास हो और जिसकी उम्र कम से कम 50 साल की हो। अब आप ही बताइए, मैं पागल हूँ या आप? जी मुझे माफ कीजिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। बात यह है कि जो इश्तहार मैंने पढ़ा था वो फटा हुआ था, इसलिए मैं आधा मजमून ही पढ़ सका। वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी। नमस्ते। लेकिन सुनिए, मैं एमए पास हूँ। लेकिन आपकी उम्र 50 साल तो नहीं है? जहां तक जिस्म का ताल्लुक है मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, लेकिन जहां तक हालात का ताल्लुक है मेरा ख्याल है मैं 50 से भी ऊपर हूँ। वो किस तरह? इसका अंदाजा नाजुक नेमत में पली हुई
एक रईस की लड़की कैसे लगा सकती है? एक गरीब नौजवान जिसने उधार की किताबें मांग मांग कर एमए पास किया हो और उसके बाद भी बेकार हो, सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि उसके कंधे पर सारे खानदान का बोझ हो। अब आप ही बताइए, वो आदमी कितना ही नौजवान क्यों ना हो, क्या वक्त से पहले बूढ़ा नहीं हो जाएगा? ये ठीक कहते हैं बेटी, भगवान किसी को बुरे दिन ना दिखाए। गरीब ये कैसी चीज है जिसकी छाया हरे पेड़ पर भी पड़े तो वो सूख जाता है। अच्छा, मैं डैडी से पूछकर आपको खबर दूंगी। जी शुक्रिया, नमस्ते। ला टीचर, वो तो जवान था। था तो जवान, लेकिन बातें बूढ़ों जैसी करता था। कहता था, एक गरीब नौजवान जिसने किताबें उधार मांग मांग के एमए पास किया हो और उसके बाद भी बेकार हो, भी कहिए वो आदमी कितना भी क्यों न हो, वक्त से पहले बूढ़ा नहीं हो जाएगा? बेटी, इसने गलत नहीं कहा। जिम्मेदारियां सचमुच इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। मेरे ख्याल में लड़का समझदार है। जी हाँ, बातचीत से भी नेक लगता था। ऐसे आदमी की जरूर मदद करनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप उसे रख लीजिए। क्यों बेटी, तुम्हारी क्या राय है? मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन डैडी वो आदमी बड़ा अजीब सा था। कभी यूं सर झुकाए, कभी इस तरह हाथ बांध कर चले। माफ कीजिए, मैं अपनी किताब भूल गया था। किताब कहाँ है? आपके हाथ में। कल जी, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना हमें आपको बुलाना पड़ता। सरिता, इन्हें बता दो। देखिए, मैंने डैडी से पूछ लिया है, आप रोज शाम को 5 बजे पढ़ाने के लिए आ जाया कीजिए। शुक्रिया। सुनिए, आपकी किताब। नमस्ते। ऊपर है, बैठिए, बैठिए ना। देखिए, बेबी को जरा ध्यान से पढ़ाइएगा, ऐसे लिखने पढ़ने में तो बहुत होशियार है, लेकिन मिजाज की जरा अगर जरूरत पड़े तो डांट भी दीजिएगा। जी, मैं अपना काम मेहनत से करूंगा, आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। नमस्ते अरुण बाबू। नमस्ते। आया, मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। अभी लाती हूँ बेटी, बैठिए। आप मनोरमा से आप क्या करके बातें कर रहे थे? वो तो हमारी आया है। तो क्या हुआ, मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी, वो माँ जो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो भी इसी तरह प्यार से बातें किया करती थी। खैर जाने दीजिए, अब ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूँ? वैसे एक सब्जेक्ट में तो आप बहुत ही तेज हैं, और वो है एक्टिंग। क्या मतलब? उस दिन जैसे आप मेरी नकल उतार रही थी उससे मुझे पता चला। हाँ, तो पहले अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करो। अंग्रेजी? अंग्रेजी में तो लीडर हूँ, हिसाब में मीडियम, हिंदी में पूरी पंडित, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में एक्सपर्ट, लेकिन ऐसे राइटिंग में बिल्कुल जीरो हूं। अच्छा, तो आज हम ऐसे राइटिंग से ही शुरू करते हैं। आप माँ की ममता पर मज़मून लिखिए। वो तो बहुत आसान है, मैं भी लिखकर बताती हूँ। ये लिखिए। इतनी जल्दी? मेरी कोई माँ नहीं, बस इतना सा मज़मून? तो फिर और क्या लिखूं? मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही मर गई थी, जब मैंने उन्हें देखा ही नहीं तो फिर उनके बारे में और क्या लिख सकती हूँ? आपने अपनी माँ को देखा नहीं, लेकिन माँ की ममता के बारे में सुना तो होगा। अच्छा सुनिए, मैं आपको माँ की ममता के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। एक माँ थी, उसका लड़का बेहद आवारा था। माँ उस पर जान देती थी, लेकिन वो लड़का उसकी जरा भी परवाह नहीं करता था। वो लड़का एक आवारा लड़की के प्यार में फंसकर पागलों की तरह उसके पीछे घूमने लगा। एक दिन उस लड़की ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो तो अपनी माँ का दिल निकाल कर मेरे पास लाओ। और वो दीवाना लड़का दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ को कत्ल करके उसका दिल अपने हाथ में लेकर भागा। रास्ते में उसे ठोकर लगी और गिर पड़ा।
माँ का दिल पुकार उठा, बोला बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? आपकी कैसी कहानी सुना रहे हैं अरुण बाबू, कहीं दिल बोल भी सकता है? बोल सकता है बेटी, किसी और का बोले ना बोले मगर माँ का दिल जरूर बोल सकता है। देखा, आपकी आया ये बात समझती है। मैं कैसे समझूं, मुझे किसी को माँ कहकर पुकारने का मौका ही नहीं मिला। आप एक दिन अपनी आया को ही माँ कहकर क्यों नहीं पुकारती? ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरी आया है। आया माँ से कम नहीं होती, माँ तो सिर्फ अपने दिल के टुकड़े की देखभाल करती है, लेकिन आया पराये की औलाद को अपना समझकर पालती है। आज आप उन्हें माँ कहकर पुकारिए, फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, लीजिए चाय पीजिए। सुना तुमने, मेरी बेटी आज मेरे पास आ रही है मुझे माँ कहने के लिए। 18 साल से मैं इसके लिए तरस रही हूँ, आज मेरी बेटी मुझे माँ कहकर पुकारेगी। आया, क्या बेटी? देखो आज मैं तुम्हें एक नए नाम से पुकारूं तो क्या? तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकती हो, कहो। मेरा जल की धारा। किसकी कविता पढ़ रही हैं आप? आप नमस्ते, मैं राही की कविता पढ़ रही थी। सुनिए क्या खूब लिखा है, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। बिल्कुल बकवास, बादल भी कभी आवारा होते हैं? क्या कह रहे हैं आप, राही तो बहुत बड़े कवि हैं, दुनिया उनके गीतों पर जान देती है। हो सकता है, दुनिया में पागलों की कोई कमी नहीं, और सच पूछिए तो राही भी बिल्कुल पगला है। आप राही को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बचपन में मेरे साथ ही तो खेला है। आप उन्हें इतनी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे उनसे एक दिन मिला दीजिए। सत्यानाश जी, जी मेरा मतलब है आप उसे मिलकर क्या करेंगी, आपको अपने गीत सुना सुना कर बोर कर देगा। नहीं अरुण बाबू, शायद कविता से आपको नफरत है। अच्छा ये तो बताइए, राही उनका असली नाम है? जी नहीं, राही नाम से तो वो कविता लिखता है, असली नाम है गंगूराम। गंगूराम? गंगूराम, छोड़िए नाम से क्या करना है, लेकिन उनके एक एक गीत में जादू होता है। आपने कभी उनका वो गीत नहीं सुना होगा, जागती आंखों के सपने? सुना क्यों नहीं, मेरे घर बैठकर ही तो लिखा था उसने, दो पेंसिलें खत्म कर दी, एक पूरे का पूरा पैड सत्यानाश कर दिया। अरुण बाबू वादा कीजिए कि उनसे एक बार मिलाएंगे। मैं उसे पूछ लूं, जरा सनकी आदमी है, एक दिन घर में शक्कर नहीं थी इसलिए चाय नहीं पिला सका, बस उस दिन से मुंह सूजा हुआ है। अच्छा आप भाई को गोली मारिए, अपनी किताब निकालिए। बाजो 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 बाजो, कप्तान आते हैं। गुड इवनिंग मास्टर जी। गुड इवनिंग लालीपॉप। अरे तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या है? घड़ी में ये सब खराब हो गया, कल रात को चाबी देना भूल गए थे ना। कहाँ जाता है रे? बाजू के बंगले में मुर्गे का लड़ाई देखने। पगला है? पगला नहीं, जरा सीधा है, आजकल हर सीधे आदमी को पगला ही कहा जाता है। इसलिए आपने अभी राही को पगला कहा था। ए, 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 मिस्टर, ए, मिस्टर। अंदर कहाँ जाता है? क्यों, इस घर में आने के लिए मुझे इजाजत चाहिए क्या? क्यों, क्या ये आपके चाचा का घर है क्या? चाचा? क्या ये क्या? ए, 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 मेरी सारी सारी मेरी गलती हो गई, मैं समझा था नकली है, ये तो असली है। ओ यू रास्कल फूल, मार डालूंगा। व्हाट? मार डालूंगा। तुम मेरे को मार डालोगे? मार डालूंगा। तुम मेरे को मार डालोगे? स्टॉप, वेट। क्या? शुगर, शुगर, और शुगर डार्लिंग कम हियर, शू शुगर। छू 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 शुगर, छू 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 शुगर, छू 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 छू। ए लाली ये क्या हो रहा है? पेड़ पे शिकायत जो है, इतनी शुगर भोगता है। ए मिस्टर जी, वहाँ क्या कर रहे हैं? जी यहाँ मैं इसलिए चला हूँ कि इस पेड़ के पत्ते सिर्फ उस पेड़ के पत्ते से मिलते हैं जो अमेरिका में मिलते हैं। अब आप हिंदुस्तान वापस आ जाइए। जी ए लाली शुगर को ले जाओ। अरे कौन? रामू तू? आंटी मैं रामू नहीं, मिस्टर रोमियो। सरिता ये है मेरे देवर का लड़का,
तुम्हें पियानो सिखाने के लिए हैदराबाद से बुलाया है। ओ अच्छा, मैं चलती हूँ, मास्टर जी मेरा इंतजार करते होंगे। तू आ गया। आंटी ये लाली कौन है? लाली मेरा लड़का, तुम्हारा भाई है बेटा, उसका दिमाग जरा। ओ सुन बेटा, मैंने यहाँ तुम्हें किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए बुलाया है। किस्मत का दरवाजा? हाँ, जगत नारायण मेरा मसेरा भाई है, कारोबार में तो सोना चांदी बरसता है, लेकिन खाने वाली सिर्फ एक सरिता है। देखो सरिता को तुम पियानो सिखाओ और अपने लिए उसके दिल में जगह भी कर लो। बस इतनी सी बात है? एक बात और है बेटा, सरिता को दाढ़ी मूछ से सख्त नफरत है। लेकिन आंटी दाढ़ी मूछ तो अमेरिका से हैदराबाद तक मशहूर है, इसे देखने के लिए तो राह चलती लड़कियां भी रुक जाती हैं। अरे मौका तो देखो बेटा, अभी मुंडवा दो, काम निकल जाए फिर रख लेना। ओ अच्छा सरिता जी, ये होमवर्क कल तक तैयार हो जाना चाहिए। ये तो मैं आज रात को ही खत्म कर दूंगी, लेकिन लेकिन आप मुझे राही से कब मिला देंगे? देखिए एक शायर की मुलाकात से पढ़ाई कहीं ज्यादा बेहतर है। आप तो राही को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। ये लीजिए इनकी किताबें, आप घर पर जाके पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि राही क्या है। इन किताबों की क्या जरूरत है, मैं राही से खुद ले लूंगा। नहीं आज आप इसे जरूर पढ़िए। अरे बाप रे इतनी सारी किताबें लिखवा रही है उसने। आप क्या जाने, जब कभी राही की नई किताब छपती है दुकान पर खरीदारों की लाइन लग जाती है, मालूम होता है जैसे कोई नई पिक्चर का शो हो। लेकिन मैं कैसे मानूं, मैंने तो हमेशा ही उसे खाली हाथ देखा है, कुछ नहीं तो एक एक दो दो करके 80-90 रुपए उधार ले चुका है मुझसे। जरूरत किसको नहीं होती, कभी ना कभी जरूर लौटा देंगे। अच्छा मैं ये किताबें पढ़ूंगा, अगर पसंद ना आई तो जहां मिल गया उसकी मरम्मत करूंगा। आज बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। अरुण बाबू कोई खास बात लगती है? जी हाँ, देखिए आपने मुझे राही से नहीं मिला, लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। कौन सा रास्ता? मेरी एक सहेली जया है, वो कहती है उसके भैया का एक दोस्त है जिसके यहाँ राही का आना जाना है, वो मुझे राही से मिला देगी। जया? लेकिन मैं तो किसी जया को नहीं जानता। आप कैसे जान सकते हैं? जी मेरा मतलब है जया है कौन? मेरी सहेली है, और कौन है? ओ कितना अच्छा होगा, 8 रोज के बाद मेरी सालगिरह है, मैं उन्हें बुलाऊंगी। अरुण बाबू आप भी आइएगा, आप कहेंगे तो राही सब जरूर कविता सुनाएंगे। ओ, ओ, जब देखिए राही और उसकी कविता। औरंगजेब को संगीत से चिढ़ थी और आपको कविता से चिढ़ है। जी हाँ और आपको पढ़ने से। चलिए अरे अरे लाली तू मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा भाई रोमियो हूँ। गोली मार दूंगा चोर डाक कहीं का। अरे मेरे भैया की तो वो लच्छेदार मूछें हैं कि दो सिरे से घोड़े बांधे तो भी मुझे नहीं मिले। जरा गौर से देख, जरा गौर से देख लाली, मैं तेरा भाई रोमियो ही हूँ। माँ माँ देखो ना इस चक्के को, कहता है मैं रोमियो। अरे तू बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे बुद्धू ये तेरा भाई ही तो है। ओ समझा समझा, कुत्ते के डर से मुझे मुड़वा। चल तुझे सरिता के पास ले जाओ, अब तो तुझे देखकर उसका मन डोल उठेगा। सरिता देख रामू आ गया। ओ, रामू नहीं आंटी, मेरा नाम मिस्टर रोमियो है। हेलो हेलो आप, ओ रात दिन का फर्क पड़ गया है। मास्टर जा सकते हो, सरिता पियानो सीखेगी। लेकिन मास्टर जी को आए आधा घंटा भी नहीं हुआ, अगर पहले पढ़ाई खत्म कर ले और बाद में पियानो सीखे तो। आया तो हर बात में टांग ना अड़ाया कर, भैया ने तुझे जरा सी छूट दे रखी है इसका ये मतलब नहीं कि तू हर काम में दखल दिया कर। चल जा अपना काम कर। मास्टर अब तुम जा सकते हो। यस नो बैठिए अरुण बाबू, आया ने कोई बुरी बात नहीं की, मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होगी और पियानो के वक्त पियानो। एग्जैक्टली आप पढ़ाइए, हर काम अपने वक्त पर होना चाहिए। आंटी
चलो हम लोग बाहर बैठे। रीता आई एम मीटिंग आउटसाइड प्लीज। आपको मूछों पे कोई शेर याद है? मूछों पर? लेकिन आपको ऐसे शेर की क्या जरूरत आ पड़ी? जरूरत है इसलिए पूछ रही हूँ, बताइए ना। ओ आप समझा, मूछ पर। हाँ सुनिए, हाय वो नाज से पाली हुई प्यारी मूछें, वो बुरा इश्क का मुंडवा दी तुम्हारी मूछें। ये अच्छा कहा आपने। क्यों ना हो, ये भी तो आपके राही साहब का ही है। छोड़िए, क्या राही साहब ऐसे शेर लिखते हैं? अच्छा छोड़िए शेर शायरी को, अब अपनी हिस्ट्री की किताब निकालिए। पहले चाय पीजिए। अच्छा कल 5 बजे आ जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। आइए मिस्टर आइए, आप पियानो लेसन शुरू करें। मैंने तो आज आपको पहचाना ही नहीं। क्यों, आपने अपनी मूछें क्यों कटा दी? जी आंटी ने तो कहा था कि मूछों से आपको सख्त नफरत है। पहले नफरत थी, लेकिन आपकी मूछें देखकर मेरा जी चाहने लगा कि काश दुनिया के हर आदमी को मूछ होती। मालूम है बिना मूछ के आप कैसे लगते हैं? कैसे? जैसे एटम बम गिरने के बाद हिरोशिमा की हालत हुई थी। कहाँ जाना है आपको? जी जी जी, मेरी सहेली की सालगिरह है। ओ जी नहीं, पढ़ाई सालगिरह से ज्यादा जरूरी है। चलिए किताब निकालिए, नहीं तो मैं आपके पिताजी से कह दूंगा। मैंने डैडी से इजाजत ले रखी है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि आप पढ़ाई में इतनी ज्यादा कमजोर हैं? अरुण बाबू आज माफ कर दीजिए, वो भी नहीं देखेगी। प्लीज अरुण बाबू प्लीज। अच्छा आज की माफी। थैंक यू थैंक यू। लेकिन सुनिए, रात को जल्दी लौटिएगा नहीं तो कल। राही साहब, राही साहब, कहाँ हैं आप? देखिए ये कितनी सुनसान जगह है, मुझे डर लग रहा है। अच्छा इतना तो बता दीजिए आप यहाँ हैं या नहीं? जी हाँ। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, प्रीत की सरगम कहूँ या प्यार का सपना कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, इस शोक को मैं क्या कहूँ। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। चाल कहती है न हो,
पहली घटा बरसात की चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की हर अदा अपनी जगह तारीफ हो किस बात की आरजू कितने दिनों से आरजू कितने दिनों से थी हमें इस रात की आंखों में मस्ती शराब की काली जुल्फों में रातें शबाब की जाने आई कहां से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की है आंखों में मस्ती शराब की राही साहब अब तो इजाजत दीजिए सामने आओ अच्छी बात है पहले दस्तक गिनिए क्यों देखिए देवी जी अच्छा अच्छा गिनती हूँ एक दो तीन चार कौन है भाई कौन है अरे आप अरुण बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं आज जरा छुट्टी मिल गई तो सोचा समंदर के किनारे हवा खा के फेफड़ों को ताजा करें और यहाँ के सुना कोई उल्लू गाना गा रहा है लेकिन आपको तो किसी सहेली के यहाँ सालगिरह पे जाना था ना बात ये है अरुण बाबू जिस लड़की की सालगिरह है ना उसने पार्टी का इंतजाम यही किया है ओ ये बात है लेकिन कहाँ है वो अभी आती ही होंगी चलो अच्छा है इतनी देर में हम दोनों बातचीत करते हैं नहीं नहीं अरुण बाबू वो अभी आ ही जाएंगी लेकिन मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ क्या मैं बच्ची हूँ नहीं नहीं आप जाइए वो आपको देख कर नहीं आएंगी देखिए सरिता जी मैं आपका टीचर हूँ और आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है अगर आपको कुछ हो गया तो जानती है मुझे कितनी पशमानी उठानी पड़ेगी आप मेरे साथ चलिए मैं आपको घर पहुंचा दूं नहीं तो जब तक आपकी सहेलियां नहीं आएंगी मैं यहीं रहूंगा यहीं रहूंगा ठीक है चलिए लेकिन एक मिनट मैं आती हूँ एक मिनट नहीं दो मिनट लीजिए आप रही साहब कहाँ है आप देखिए ना न जाने कहाँ से ये कबाब में हड्डी आ गया अच्छा फिर किसी दिन मिलेंगे सरिता जी आपने गरीब शायर के जज्बात से खेला है आपके बार बार बुलाने पर ही मैं आया था लेकिन मिलने की घड़ी आने पर देखा कि आप किसी और के साथ अटकेलियां कर रही हैं आखिर मायूस होकर लौट आया अब तो आपसे यही इल्तजा है कि मुझ गरीब पर रहम करें और मुझे भूल जाएं, बदनसीब रही क्या पढ़ रही हैं आप अरे आप रो रही हैं आ गए हो ये देखिए आखिर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके ही छोड़ा कल झू बीच पर राही ने मुझे मिलने का वक्त दिया था अच्छा इसलिए कल आप वहां गई थी जी हाँ लेकिन जब वो घड़ी आई तो आप दीवार बन के बीच में खड़े हो गए वो आपको देख कर लौट गए मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया सरिता जी सुनिए तो सरिता जी आप क्या ये समझते हैं कि राही आपको मेरी वजह से नहीं मिला बिल्कुल झूठ राही आपको इसलिए नहीं मिला कि वो बदसूरत है इतना बदसूरत कि उसकी सूरत पर लड़की तो क्या मरेगी मक्खी तक बैठना पसंद नहीं करती और जानती है कितना मोटा है वो इतना मोटा कि आपका ये दरवाजा उसके लिए छोटा पड़ेगा ठीक आपकी तरह दो लड़कियां उसकी फैन थी एक दिन उसको देखने के बाद एक लड़की तो डर के मारे पागल हो गई और दूसरी दूसरी ने आत्महत्या कर आत्महत्या जी हाँ आत्महत्या ना उसकी सूरत है ना करेक्टर तीन बार थाने में चालान हो चुका है उसका आप चलिए मेरे साथ उसके घर मैं आपके सामने उसे कहूंगा अबे ओ शायर के बच्चे अपने दिमाग का इलाज कर तू क्षमा परवाना गुलो बुलबुलों की ख्याली दुनिया में रहता है लेकिन ये नहीं समझता कि सरिता एक आफ्ताब है और मैं एक जर्रा भला एक जर्रे का आफ्ताब के साथ क्या मुकाबला चलती हैं मेरे साथ नहीं नहीं अरुण बाबू मैं उन्हें नहीं देखना चाहती एक बार जरूर देख लीजिए फिर आपको पता चलेगा कि आवारा बादल जैसी कविता लिखने वाला खुद भी कितना आवारा है जाने दीजिए राही की बातें मुझे उनसे क्या वास्ता अरुण बाबू आज मुझे पढ़ने का बिल्कुल जी नहीं है चलिए आज हम दोनों पिक्चर देखने चले जी नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा क्यों एक बार जू में आपसे मुलाकात हो गई तो तूफान मच गया अब के जाऊंगा तो ये सब बहाने हैं
प्लीज अरुण बाबू चलिए ना। अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह रे पास होके भी उल्फत की दूरिया अल्लाह रे पास होके भी उल्फत की दूरिया वो सामने है फिर भी मुझे इंतजार। ये हुई शायरी दर साहब, नहीं तो आजकल के लंबड़े शायर बगैर काफिया रदीफ के शायरी करने लगे। महमिल की जगह मोटर ने ले ली है और मजरू जंगल की जगह शहरों की खाक छानने लगा है। जब खाक ही छाननी है तो फिर शहर क्या और जंगल क्या? देखिए भाई मैं अब आप लोगों से माफी चाहता हूँ, राही साहब आ गए हैं। कोई बात, सुनिए आप लोगों की कोई बहन जया नाम की तो नहीं है? अच्छा तो आप लोग जा सकते। राही साहब मुबारक पेश कर रहा हूँ, सदाबहार के पिछले पर्चे में आपकी वो नज़्म आवारा बादल खूब खूब, और आपकी ज़बान तो हिंदी उर्दू का संगम है, हज़रत आरजू लखनवी की आता है। देखिए तनवीर साहब जी, इतने देर में तो आप घर पहुंच गए होते, वल्लाह बड़ी मुश्किल से राही साहब आता है। माफ कीजिएगा। आदर आदर। हाँ तो कहिए दर साहब, कैसे याद फरमाया? अजी साहब फकीर का तो एक ही सवाल है, सदाबहार का अगला पर्चा प्रेस में जाने वाला है, आपकी नज़्म का भी रंग रहे। अरे बाप रे, ये लोग नहीं आ रही है क्या? अरे हाँ, मैं तो आपसे कहना ही भूल गया था, ये हमारे छापे खाने के मालिक रमेश चंद की बहन जयश्री हैं, इनके साथ आपकी कोई फैन है, आप ही से मिलने आ रही हैं। दरअसल यही है जया, अब तो मैं बिल्कुल गया। अरे राही साहब आखिर बात क्या है, हुआ क्या? अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। आप तो पहेलियां बुझा रहे हैं, आखिर माजरा क्या है? देखिए दर साहब, आप अपने सदाबहार के लिए मुझसे नज़्म जाते हैं? हाँ, जरूर जरूर। अगर नज़्म जाते हैं हाँ। तो लड़कियों को बाहर रखिए। ये कौन सी बड़ी बात हुई साहब, वो अंदर बिल्कुल नहीं आएंगी, हरगिज नहीं आएंगी। दर्द साहब इधर से नहीं, उधर से आइए। उन्हें रोकिए। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा। यही है मेरी फ्रेंड सरिता। नमस्ते। राही साहब अभी नहीं आए चाचा जी? हाँ आए तो हैं, मगर उनका तुम लोगों से मिलना मुश्किल है। क्यों, मुश्किल क्या है? क्या अर्ज करूँ बेटा, कुछ दिनों से उन्होंने किसी भी लड़की से न मिलने का फैसला कर लिया है। क्यों राही साहब, बात यही है ना? हाँ मौलाना, मुझे आग और लड़की से बहुत डर लगता है। देखिए राही साहब, हम इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं, दो ही मिनट सामने आ जाइए, हम आपको उठा तो नहीं ले जाएंगे। सामने आ ना सकूं और बुला भी ना सकूं, दिल पे अपने जो गुजरती है सुना भी ना सकूं। चल सरिता, ये कौन सा ताजमहल है जिसे देखे बिना जिंदगी अधूरी रह जाएगी? चुप रहे। देखिए राही साहब, हम आपकी कविता आपकी जबानी सुनने आए हैं। ओ, कविता सुनना है? वो तो मैं यहाँ से भी सुना सकता हूँ। लेकिन सुनाने वाला नजर ना आए तो फिर क्या मजा? देखिए मेरी सूरत में क्या रखा है, जज्बात तो अल्फाज में होते हैं। अच्छा आपकी जिद है तो ऐसे ही सही। तू सुन, मैं चाची से मिलकर आती हूँ, चलिए चाचा जी। चलो बेटी। अच्छा तो बेटी तुम यहीं बैठो और देखो, राही साहब को देखने की कोशिश मत करना, सोच लो कि टेलीफोन से ही बातें कर रही हो। चलो। राही साहब आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मजा हो गया। मेरी आवाज और एक लड़की पहचानती है? देवी जी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे आग और लड़की से बहुत डर लगता है, जल्दी बताइए आप क्या सुनना चाहती हैं? जी आवारा बादल, आपकी ये कविता न जाने कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। फिर तो एक शर्त पर सुनाऊंगा, उसमें जलधारा का जो हिस्सा है वो आपको कहना होगा, मंजूर? जी हाँ मंजूर है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा।
ना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा मुझे जगा आराम नहीं रुक जाना मेरा काम नहीं मुझे जगा आराम नहीं रुक जाना मेरा काम नहीं मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम मैं देश विदेश का बंजारा इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे नाम मेरा जल की धारा तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा क्यों प्यार में तू नादान बने एक पागल का अरमान बने प्यार में तू नादान बने एक पागल का अरमान बने अब लौट के जाना मुश्किल है मैंने छोड़ दिया है जब सारा इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा देवी जी क्या सोच रही हैं आप काश कि मैं आपको एक बार देख पाती खैर जाने दीजिए कहिए मैं आपको खत लिखूं तो जवाब देंगे दे सकता हूं लेकिन खत कविता में होना चाहिए कविता में अच्छा कोशिश करूंगी क्यों री सुन ली कविता हाँ तो चल अच्छा राय साहब नमस्ते नमस्ते लो भैया चाय पियो चाय यार सूरज किधर से निकला बिना मांगे चाय मिल रही है जरूर कोई गरज होगी तेरी गरज क्या है मेरी भैया तुम मुझे हर महीने जेब खर्च के लिए जो पैसे देते हो ना उसमें से 2 रुपए 10 आने बचा के मैंने सिनेमा के 2 टिकट खरीदे हैं चलो ना भैया चले अच्छा तो इसलिए चाय की रिश्वत दी जा रही है नहीं हम नहीं जाएंगे हमसे पहले क्यों नहीं कहा गया पहले से बताती तो तुम मानने वाले थोड़ी थे तुम तो यही कहते देख वीना पैसा खर्चना आसान है मगर कमाना मुश्किल 2 रुपए 10 आने का तू दूध पी सकती है फल खा सकती है घर की कोई चीज खरीद सकती है अरे अरुण कभी अपनी छोटी बहन का दिल भी रख लिया कर भैया दीदी का हुक्म है भैया अच्छा बाबा अगर हुक्म है तो चल सिनेमा देखने चले चलो अच्छा टाइम क्या है
मिस्टर रोमियो, चलिए वापस, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? थैंक यू सरिता। ओ जया, अरे ये कितना सुंदर हार है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सरिता जी, सालगिरह मुबारक। ये लीजिए राही की नई किताब, आज ही प्रेस से निकली है। मैंने सोचा इससे अच्छा तोहफा आपके लिए और क्या हो सकता है। थैंक यू। बैरे इसे रख दो। ओ मिस्टर रोमी आ गए। गुड इवनिंग मिस्टर रोमियो। बाय जूफ मिस रीता, आई एम डेड, मैं मर गया। क्या बात है मिस्टर रोमियो? आपका ये ड्रेस, इट्स किलिंग मिस रीता, मुझे मार डाला मिस रीता। आपको ये ड्रेस पसंद है? पसंद मिस रीता, मैंने लंदन में कितनी लड़कियां देखी, कितनी ड्रेसेस देखी, लेकिन आपका ये ड्रेस और आप, आई मीन डोंट बी सिली। ओह थैंक यू वेरी मच। ओ आइए, आपका सबसे पहले। ओह मास्टर जी, नमस्ते। ओह लॉलीपॉप, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। थैंक यू। आप तुम भी बैठो। बैठो ना। कैसे हो? ठीक। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने मिस रीता और हम एक डांस पेश करेंगे। इस डांस का नाम है द कॉल ऑफ द यूथ। मिस रीता, समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। Thank you.
चमन मिल सका, मैं वो गरीब फूल जो ना चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ जो कुछ भी हूँ बाहर की छोटी सी एक भूल हूँ जिसने खिला के खुद मुझे खुद ही मुझे भुला दिया आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया आंसू समझ के क्यों मुझे सुना वो हंस दिया हंस के मुझे रुला दिया आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया आंसू समझ के क्यों मुझे आपने मैं गा सकता हूं और अगर आप फरमाएं तो मैं नाच के भी दिखा दूं। नमस्ते। कल ठीक 5 बजे पढ़ाने के लिए आ जाऊंगा। बोलते क्यों नहीं?
जवाब दो। तुम अच्छी तरह जानती थी कि उन्हें गाना नहीं आता और इसलिए तुमने उन्हें गाने के लिए आपके सामने उनकी बेइज्जती हो जाए। बोलो तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, जवाब दो। आया, मैं पूछती हूँ कि इस तरह मुझसे सफाई मांगने की तुमको हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा? मैं ठीक ही कह रही हूँ, तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम इस घर की एक मामूली सी आया हो। आया, आज 18 साल से अपना खून पसीना बहाकर तुम्हें पाल रही हूँ। चाहिए सुनने के लिए तुमने मुझे मारा? नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, क्या हुआ आया? अच्छी बात यह है कि इसने मास्टर जी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और मेरे समझाने पर बिगड़ गई, इसलिए मैंने गुस्से में आकर इसे मार दिया। क्या तुमने भी आखिर चादर के बाहर पैर फैलाना शुरू कर दिए? ये सब मेरी ढील का नतीजा है। आया, आज से कहीं तुम अपना और इंतजाम। जाने से पहले तुम्हें छी भर के देखने आई हूं। आया, ओ मछलियों को खाना खिला रही हैं? जी हाँ। अरुण बाबू, आपने तो नहीं मिला, लेकिन मैं कल राही से मिलाई। अच्छा, कितने अच्छे आदमी है वो, जितना उनके गीतों में मिठास है उतना ही रस उनके गले में है। क्या लिखते हैं, क्या गाते हैं। ओ, तो आप हैं वो लड़की? जी, मेरा मतलब है बहुत दिनों के बाद वो मुझे मिलने के लिए आया था और कह रहा था कि एक बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत लड़की उसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन वो तो मुझसे मिले ही नहीं, फिर उन्हें कैसे मालूम कि मैं देखने में खूबसूरत हूँ? मुझे क्या मालूम, उसकी आदत ही कुछ ऐसी है, जिस लड़की को देखता है उसकी झूठी तारीफ करनी शुरू कर देता है। सच बताया ना अरुण बाबू, उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि वो लड़की यानी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, अकलमंद हैं, आपके गले में जादू भरा है, आप हंसती हैं तो सुबह हो जाती है और शर्माती हैं तो लाजवंती की बेल फीकी पड़ जाती है। लेकिन आप तो कहते थे वो संकी है, पागल है। तो खामखा किसी पराई लड़की की तारीफ करना पागलपन नहीं? रहने दीजिए, आप उनसे जलते हैं। मैं क्यों जलने लगा? मैं शक्ल सूरत में राही से अच्छा हूँ, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, खामखा किसी पराई लड़की की झूठी तारीफ नहीं करता। बाकी रही शायरी, तो जब मैं शेर कहा करता था उस वक्त राही साहब पैदा भी नहीं हुए थे। तो क्या आप गीत लिखते थे? कभी राही साहब से मुलाकात हो तो पूछ लीजिएगा। तो मेरा एक काम कर दीजिए, राही साहब ने मुझे वचन दिया है कि मैं उन्हें कविता में खत लिखूं, तो वो मेरे खत का जवाब देंगे। मुझे कविता में खत लिख दीजिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है, आप जल्दी से एक प्याला चाय बंदोबस्त कीजिए। अच्छा, और मैं अभी शायरी लिखता हूँ। अच्छा, बिहारी मास्टर जी के लिए एक कप चाय भेज दो और सुनो आया से कहो कुछ खाने के लिए भेज दे। क्यों लिख लिया अरुण बाबू? हाँ, इतनी जल्दी? जी, कविता लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सुनिए, सरिता है खत लिखने वाली का नाम, मोहब्बत भरा भेजती है सलाम। सलाम क्यों,
प्रणाम अच्छा रहेगा। देखिए सरिता जी, अगर मुझसे लिखवाना है तो जो मैं लिखूंगा वही होगा। अच्छा सुनिए, बहुत खुश हूँ कल की मुलाकात से, नहीं नींद आई मुझे कल रात से। लेकिन कल तो मैं बहुत अच्छी तरह सोई थी। ओहो सरिता जी, ये शायर लोग बड़े झूठे होते हैं और इनको झूठी बातें ही लिखनी चाहिए। सुनिए, कशिश थी अजब आपके गीत में, डूबी हुई कल से संगीत में, कहाँ बज रही हैं ये शहनाइयाँ, बसा दी किसने मेरी तन्हाइयाँ, मिले भी मगर एक हसरत रही, मुझे आपसे एक शिकायत रही, मेरे सामने आप आए ना क्यों, ये पर्दे बताओ उठाए ना क्यों, किसी दिन जरा सामने आइए, कसम प्यार की अब न शर्माइए। प्यार की कसम क्यों अरुण बाबू? तो क्या मैं उसे हाथी घोड़े की कसम दूं? सरिता जी ये शायरी है और शायरी प्यार के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आखिरी शेर सुनिए, जो आते नहीं तो बुला लीजिए, ये एहसान होगा अगर कीजिए। क्या रही ऐसे खत का जवाब देंगे? ये कविता पढ़कर तो उसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। हाँ हाँ, यही कहेंगे किसने तुकबंदी लिख भेजी है। तो ये तुकबंदी, सरिता है खत लिखने वाली का नाम, मोहब्बत भरा भेजती है सलाम। मिला है आज ही खत मुझको एक अनजान लड़की का, कि मिलता है नदी से नाम उस नादान लड़की का। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रुक क्यों गई, रुक क्यों गई? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ब्यूटीफुल। चलिए 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 शुरू कीजिए। मिस्टर रोमियो, मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे कैसे चलेगा, दो दिन के बाद सालगिरह के फंक्शन है, आपको डांस करना है, और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय प्रेस्टीज। प्लीज 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 शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 7 8 9 10 20 डोंट डिस्टर्ब। चलिए चलिए अब दूसरा शुरू कर दिए, पहले आप मुझे देख लीजिए। देखिए चा चा चा, चाचा को क्यों बुलाते हैं? ओ चाचा नहीं, चाचा नहीं, चाचा चा 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 चा, यानी चाचा को चाय चाहिए, कप ऑफ टी। गेट आउट नहीं तो लॉली स्टॉप। व्हाट यू नो हाउ टू टॉक, व्हाट यू नो हाउ टू वॉक, व्हाट यू नो हाउ टू डांस, लॉलीपॉप चाचा। बेबी आपकी चिट्ठी। चिट्ठी? ओ फ्रॉम राही, थैंक यू राही, थैंक यू। Who is Rahee? Who is this scoundrel? क्या राही को स्काउंडल कहते हैं? क्यों ना कहूं, जिसकी चिट्ठी पाकर आप इतनी खुश हो गई वो स्काउंडल नहीं तो क्या है? He is a scoundrel. Shut up! साहब आपके लिए चाय कॉफी लाओ या ठंडा? Shut up! मिला है आज ही खत मुझको एक अनजान लड़की का, कि मिलता है नदी से नाम उस नादान लड़की का। वाह वाह, सरिता भी नहीं कहा और मेरा नाम भी समझा दिया, राही सचमुच राही है। न जाने क्यों उसे राही से मिलने की तमन्ना है, कली को काहे विराने में की तमन्ना है, वो रह रहकर मुझे मिलने का क्यों इकरार करती है, मेरे गीतों पे मरती है या मुझसे प्यार करती है, अगर मैं दोनों से करूं तो क्या मुझे कोई रोकने वाला है? चलो एक बार मिली ले, ये सपना टूट ही जाए, ये झूठा सा रिश्ता है, चलो ये छूट ही जाए, समुंदर के किनारे शाम को झूपे कल आना, मिलेगा पूरे 7:30 पर तुमको ये दीवाना। तो क्या मुझे राही मिलेंगे? थैंक यू राही, थैंक यू। न जाने कब सुबह होगी और न जाने कब कल की शाम आएगी। ओ मिस्टर क्लॉक, जरा तेजी से चला करो। हेलो मिस्टर रोमियो। ओह मिस्टर टीचर, जस्ट सेकंड, क्या आप बता सकते हैं ये राही कौन है और कहाँ रहता है? राही? राही तो एक शायर है, सुना है लड़कियों के दिल में रहता है। लड़कियों के दिल में? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं, वो मुझे मिल जाए तो मैं उस शायर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊं, ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर के लिए शायरी। मेरा नाम सरिता है, लेकिन आप यहाँ वहाँ क्या? ये मेरा घर है, कहिए आप किससे मिलना चाहती हैं? जी मैं अरुण बाबू से मिलने आई हूँ, वो मेरे मास्टर जी हैं। और वो मेरे भाई हैं। भाई? क्यों शक है? आइए अंदर तो आइए।
बैठिए। शुक्रिया। जरा अरुण बाबू से मिलना था। मेरा ख्याल है आज भैया देर से लौटेंगे। रंग भवन में कवि सम्मेलन है और भैया भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अरुण बाबू को तो कविता से सख्त नफरत है। क्या कह रही हैं आप? भैया का उठना बैठना खाना पीना उड़ना बिछौना सब कुछ कविता ही तो है। क्या आपने कभी राही का नाम नहीं सुना? राही? राही तो बहुत बड़े कवि हैं। राही मेरे भैया का ही तो नाम है। वो असली नाम से नहीं बल्कि इसी नाम से कविता लिखते हैं। ओ, समझी। देखिए अपने भैया को बताइएगा नहीं कि मैं यहाँ आई थी। तो फिर क्या कहूँ? कुछ भी नहीं, आपको मेरी कसम। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है मिस्टर रोमियो? अब मिस्टर टीचर, उस शायर के बच्चे राही का कुछ पता चला? राही? ओ हाँ, बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ। क्या? बस समझ लीजिए आपके रास्ते का कांटा दूर हो गया। क्या मतलब? राही और रीता में झगड़ा हो गया? ओ नो नो मिस्टर रोमियो, राही रीता से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से रूठ गए। मैंने सुना है वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसे। व्हाट? ही इज डेंजरस। वो मर गया। व्हाट ए गुड न्यूज़, व्हाट ए गुड न्यूज़। मगर वो मरा कैसे? मरता कैसे? मौत आ गई, मर गया। शुक्र है कि वो अपनी मौत मरा, नहीं तो मैं उसको मारता। क्या करते हैं? मैं अभी इस बात को रीता को बता। नहीं नहीं, ठहरी ठहरी ठहरी। रीता राही से प्यार करती है और आप रीता से प्यार करते हैं। अगर आप रीता का दिल जीतना चाहते हैं तो रोनी सूरत बना लीजिए और दर्द भरे लहजे में उसे जाकर कहिए, और रीता आज का दिन बड़ा मनहूस दिन है। शायरों का वो बादशाह जो अपनी शायरी से मुर्दों में जान डाल दिया करता था, आज खुद मुर्दा बन गया है। खड़ी खड़ी खड़ी, इसे खोल लीजिए, अपने बाल बखेरिए और आंखों में आंसू लाइए। गुड लक। रीता व्हाट ए गुड न्यूज, आई मीन व्हाट ए बैड न्यूज। रीता गजब हो गया। क्या बात है मिस्टर रोमियो? कैसे कहूं रीता, दिल फटा जा रहा। लेकिन आपके दिल फटने का धमाका। देखो रीता, ये खबर सुनकर तुम कहीं घबरा ना जाना। रीता तुम्हारा राही, तुम्हारा राही मर गया है। रीता राही मर गया? जी हाँ, मैं उसकी अर्थी के साथ ही था। ये तो ये दुनिया का बादशाह जिसके ही मुर्दों को भी जिंदा कर देते, आज हमेशा के लिए मुर्दा हो गया है। आखिर मरना तो था ही उसे, बीमारी कितनी बुरी थी, देसी शराब पी पी कर फेफड़ों में मोरियां हो गई थी। सही बात है। रामू जी, रोमी साहब बहुत ही अच्छा हुआ, इस वक्त आप यहां से चले जाइए और उन्हें अच्छी तरह रोने दीजिए। आंसू के साथ राही की याद भी दिल से निकल जाएगी और आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्यूट। सरिता जी, मरने वाला तो मर गया, अब रोने से क्या? मैं इसलिए नहीं रो रही कि वो मर गए हैं, बल्कि इसलिए रो रही हूं कि वो जिंदा है और मेरे सामने खड़े हैं। आपके सामने? लेकिन कहां? ये है जी। जी मैं आज सुबह आपके घर गई थी, आपकी छोटी बहन वीना ने मुझे सब कुछ बता दिया। कहिए इस वांग रखने की क्या जरूरत थी? देखिए सरिता जी, मैं यहाँ एक टीचर की हैसियत से आया था। जब मुझे ये मालूम हुआ कि आप राही की इतनी दीवानी हैं तो सोचा आप पढ़ने के बजाय मेरी कविता ही सुनती रहेंगी और मैं अपना फर्ज निभा ना सकूंगा। क्यों बेटी, कल के बाद की माफी मांग ली मास्टर जी से? जी माफी कैसी, सरिता ने तो मुझे गाने का मौका दिया था। बच्ची जो ठहरी भूल कर बैठती है लेकिन बाद में पछताती है। अच्छा तो आपको पछताना भी आता है? जो कुछ हो गया उसे भूल जाइए। किताब निकालूं? नहीं, आज आपको छुट्टी। नहीं, कल मुझे जरूरी काम है, आज डबल पढ़ा दीजिए। कल बहुत जरूरी काम है आपको? कल शाम मैं राही के साथ घूमने जा रही हूँ। लेकिन राही कल तक इंतजार नहीं कर सकता। सच? सच। दिल से दिल की
डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ कदम मिला कर चले उधर लेके चले ये प्यार जिधर प्यार की राही तू ही बता खत्म कहाँ होगा ये सफर कदम मिला कर चले उधर लेके चले ये प्यार प्यार की राही तू ही बता खत्म कहाँ होगा ये सफर जहाँ पे गाए दिल की सरगम झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले आज वहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ खबर ये दिल को मगर नहीं छुपा हुआ था यहीं कहीं खबर ये दिल को मगर नहीं हटा वो पर्दा प्यार जागा चलो बसा ले हम तुम हम संग संग एक नया जहां दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ गली थी पहले फूल हुई कहो ये किसकी भूल हुई चमन रहे ये खिला दिल वो दिल से मिला गली थी पहले फूल हुई कहो ये किसकी भूल हुई चमन रहे ये खिला दिल वो दिल से मिली है मंजिल जिंदगी को दिल ये पूछे हम तुम संग संग अब चले कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ अच्छा आप तो कवि हैं बता सकते हैं ये शाम ये आसमान ये धरती ये सब मुझे आज इतने रंगीन क्यों लग रहे हैं सरिता रंग वहां नहीं लगा रंग लगा है तुम्हारे मन में चित्रकार भी है क्या मतलब
जानते नहीं किसने लगाया है ये रंग मेरे मन में। देखिए देखिए ये लाइनें यहाँ पर कितनी अलग हैं और वहां पे मिल गई हैं। हाँ सरिता, बिल्कुल हमारे जीवन की तरह। हम एक दूसरे से कितनी दूर थे और अब कितनी पास पास। चले घर चले। चलो। अरुण मुझे कह तो दिया होता कि ये आ रही हूँ। हाँ भैया, पहले से खबर होती तो मैं दरवाजे पर रोल डालती, शंख बजाती। नए मेहमान का स्वागत तो होना ही चाहिए। देखिए आप मुझे पराया क्यों समझती हैं? पराया कौन समझता है, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है ना। तो अच्छी तरह देख लो दीदी। चलो भैया अंदर चले, कौन जाने दीदी इनसे क्या पूछना चाहती है। आओ चलो, आओ फिर बैठ। बीना अपने भैया को अंदर क्यों ले गई? शरीर जो कह रही, कुछ ना कुछ सोचती रहती है इसे। सरिता मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लेकिन पूछिए ना। रीना कुछ दिनों से कुछ कह रही है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात छेड़ू। आपकी मर्जी। मेरी मर्जी क्या, तुम्हारी खुशी भी तो होनी चाहिए। मैंने तो इनकार नहीं किया। अरुण वीना बाहर आओ तुम लोग। कहो क्या बातें हुई? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं, यूं ही जान पहचान हो रही थी। अच्छा बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। लेकिन चाय तो पी कर जाओ। नहीं वीना आज नहीं, बहुत देर हो गई है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। अरे अरुण यह छोड़ के तो आ? ओ दीदी थैंक यू। ए, सुनो दीदी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी। और तुमने क्या कहा? कह दिया पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं, बस बिठाकर कविता सुनाया करते हैं। अच्छा ये बात है, तो कल से कविता बिल्कुल बंद, बस पढ़ाया ही करूँगा। लेकिन मैं पढ़ूँ तब ना। क्यों पढ़ोगी क्यों नहीं? इसलिए कि मुझे जज बैरिस्टर नहीं बनना है। तो क्या बनना है? मुझे तो किसी के घर की बहू बनना है। सरिता सरिता ये नामुमकिन है। मैं अरुण को अच्छी तरह जानता हूं, वो तालीम याफ्ता है, जिम्मेदार है, लेकिन उसकी हैसियत क्या है? ना कोई मुस्तकिल मुलाजमत है, ना जायदाद, ना घर बार। ऐसी हालत में सरिता का हाथ उसके हाथ में कैसे दे सकता हूं? ये सब तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरिता और अरुण के दिल मिल चुके हैं। सरिता भी बच्ची है, वो नहीं जानती कि इस मिलाप का मतलब क्या है। महलों से निकलकर झोपड़ों में रहना, सेज से उठकर कांटों में सोना कोई मजाक नहीं है। दौलत हमारे पास नहीं, फिर भी हम उसके भूखे नहीं। मैं तो सिर्फ वो लक्ष्मी मांगने आई हूं जिसका नाम सरिता है। लक्ष्मी मांगने से पहले ये तो सोच लिया होता कि लक्ष्मी का निवास कल कंगाल के घर में नहीं होता। सरिता से हमारी गरीबी छुपी नहीं, वो तो अरुण को बहुत अच्छी तरह जानती है, एक दो बार हमारे घर भी हो आई है। आप दोनों ने मिलजुल कर उसे बहकाया है, आप लोगों की नजर हमारी जायदाद हमारी दौलत के ऊपर। वीना मेरी कुर्सी पर क्यों बैठी है? चल उठ यहां से। दीदी जल्दी से एक पहला चाय का बना दो, ट्यूशन के लिए देर हो रही है। चाय बना देती हूँ मगर वहां नहीं जाने दूंगी। वाह, वहां नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? भगवान कोई और रास्ता बना देंगे। जिस घर में इज्जत नहीं वहां का नमक खाने से तो फाका कर लेना अच्छा है। दीदी क्या हुआ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अरुण सरिता की रजामंदी से मैं तुम्हारे लिए सरिता का हाथ मांगने चौधरी साहब के पास गई थी। मैं न जानती थी
कि जिस घर की बेटी इतनी नेक और इतनी मिलनसार है, उस घर के मालिक के दिलो दिमाग में दौलत का नशा है, झूठ का गरूर है। मुझे इनकार कर देते लेकिन इज्जत से तो पेश आते। वो समझते हैं कि हमने उनकी दौलत हजम करने के लिए उनकी बेटी को बहकाया है। उनकी नजर में हम गली के कीड़े हैं, कंगले हैं। लेकिन दीदी, तुम्हें वहां जाने के लिए कहा किसने था? मेरे पूछे बगैर तुम वहां गई क्यों? तुमने एक अमीर की चौखट पर जाकर अपनी चांद से उजली गरीबी पर कलंक क्यों लगा लिया? क्या हुआ बेटी, कहां जा रही हो तुम? सुना था वीना, अरुण बाबू कहाँ है? वो घर पर नहीं है। वहां भी तो नहीं आए? सरिता, अब वो तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएंगे। क्यों? अब वहां क्या लेने जाएंगे? उस घर से जो कुछ लेना था दीदी जो लेकर आ गई। से तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक शोक के दामन पर बरसूं। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक शोक के दामन पर बरसूं। अफसोस जली मिट्टी पे मुझे तकदीर ने मेरी दे मारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। मदहोश हमेशा रहता हूँ, खामोश हूँ कब कुछ कहता हूँ। मदहोश हमेशा रहता हूँ, खामोश हूँ कब कुछ कहता हूँ। कोई क्या जाने मेरे सीने में है बिजली का भी अंगारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
अरुण बाबू आप यहाँ? क्या मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई? पहले और अब में बहुत फर्क है सरिता जी। कुछ भी हो, हम तो एक दूसरे के लिए वही हैं। कहाँ है गरीब कंगाल शायर और कहाँ है रईस की लड़की? ये आप क्या कह रहे हैं अरुण बाबू? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है जी। क्या कहा आपने? जी हाँ जी हाँ, लेकिन कम से कम एक बार लड़की को तो देख जाइए जी। हाँ हाँ, देखिए आइएगा जरूर, मैं परसों आपका इंतजार करूंगा। अच्छा नमस्ते। मालिक क्या है? मैं सरिता की शादी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ सरिता मास्टर जी की तरफ खींच रही है, फिर क्यों नहीं इन दोनों का रिश्ता जोड़ दिया जाए? आया, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया? क्या तुम भी चाहती हो सरिता की किस्मत उस कंगाल के हवाले कर दी जाए? लेकिन लड़का तो बुरा नहीं है। बुरा तो मेरा ड्राइवर भी नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं मैं उस ड्राइवर को अपना दामाद बना लूंगा। मगर लड़की के दिल का भी तो ख्याल रखना चाहिए। नहीं, हमारा फर्ज है कि उसे गलत रास्ते पर चलने से रोका जाए। ना तो नियामत में पली हुई फूल सी लड़की को उस बियाबान में भेज दूं जहां भूख की रेत के सिवा कुछ भी ना हो। मगर मालिक, सिर्फ दौलत ही तो नहीं देखी जाती, आदमी की शराफत, खानदान और उसकी तालीम भी तो देखी जाती है। और फिर आपकी एक ही तो बच्ची है, भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी इस घर में है सब सरिता का ही तो है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुण की शादी सरिता से नहीं मेरी दौलत से हो रही है। लेकिन यह सवाल दौलत का नहीं, प्यार का है। प्यार? प्यार किस चिड़िया का नाम है? जब दो दिन उस घर में फाके लगे तो प्यार हवा हो जाएगा। मैंने सरिता का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में पक्का कर दिया। मगर वो रिश्ता सरिता को भी तो मंजूर होगा। आया, तुम इतनी बात करो जितनी तुम्हें शोभा दे। सरिता मेरी बच्ची है, उसकी खुशी का ख्याल मुझसे ज्यादा और किसको होगा? मोतीलाल जी शहर के नामी रईसों में से, और मैंने उनके बड़े लड़के के साथ सरिता की बात पक्की कर दी है, और परसों सरिता को देखने आ रहे हैं। ये अच्छी कही चौधरी साहब, मैं तो ये सोचकर सिर्फ 200 आदमी की बारात लाने वाला था कि कहीं आप पर ज्यादा बोझ ना पड़े। मोतीलाल जी बोझ कैसा, इकलौती बच्ची है। अब बारात पूरे 500 आदमियों की लाऊंगा। बेटी मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। जी जी, ऐसी बात नहीं करते। मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे किसी का सहारा तो होता। मगर बेटी, मैं जो तुम्हारी माँ हूँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं देख सकती कि मेरे होते हुए तुम्हारा दिल टूटे। मैं शादी नहीं होने दूंगी, हर किस नहीं होने दूंगी। आया, ओ आया, आया आया आया। क्या है लाले? सुना तुमने, मामा जी ने अभी 4 मन मिठाई और 6,000 रसगुल्ले का ऑर्डर दिया है। शरीता की शादी और अपने पेट की आबादी, मजा आ गया। ये क्या लाले, जरा देख के हाथ पैर चलाया कर। आया हाथ पांव है, थोड़ी मोटर गाड़ी है जो ब्रेक मारा रुक गया। सुनो आया, मैं कुछ रसगुल्ले चोरी करके यहाँ रख जाऊंगा और जब मुझे भूख लगेगी तो खा के चला जाया करूंगा। किसी ने भी लिखा हो, आप सिर्फ इतना बताइए कि यह बात सच है या झूठ।
आपके कांपते हुए हाथ ये साफ कह रहे हैं कि सरिता आपकी बेटी नहीं है। मुझे राजी आस्था बोलिए, सरिता जन्म से मेरी बेटी नहीं, लेकिन संबंध में मुझे मेरी बेटी से भी ज्यादा प्यारी है। अच्छा, तो कहीं से उठाई हुई लड़की आप मेरे लड़के के पल्ले बांधना चाहते थे? किस जंग का बैर था मुझसे? मोतीलाल जी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सरिता की भलाई के लिए कर रहा हूँ, वो मेरी बच्ची की तरह, नहीं तो मैं उसका हाथ किसी भी मामूली आदमी के हाथ में दे सकता था। जगत नारायण, जी तो चाहता है कि पुलिस को खबर करके तुम्हें दगाबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दूं। तुम जहां भी चाहो अपनी बेटी की शादी कर सकते हो, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता जिसकी न जात पात का पता हो न माँ बाप का। मोतीलाल जी, मामा जी, सरिता आपकी बेटी नहीं है। लाली, तूने? मैंने सब सुन लिया मामा जी, उसकी शादी भी टूट गई। लाली, तूने जो कुछ सुना बेटा, इसका जिक्र किसी से मत करना, अपनी माँ से नहीं, सरिता से नहीं। क्यों मामा जी? मैं जो कह रहा हूँ बेटा, नहीं करना, जा जा। मामा जी, ये खत आपके पास कैसे आया? क्यों, ये खत तो आया लिख रही थी। आया? हाँ। मालिक, आप? ये खत पहचानती हो? चुप क्यों हो? जवाब दो, क्या ये आग तुमने लगाई है? आग लगाई नहीं मालिक, बल्कि सरिता के दिल में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की। मैं दिन रात उसके साथ रहती हूँ, मुझसे ज्यादा उसके दिल का हाल और कौन जान सकता है। तो ये लंका घर के भेदी ने ढाई है, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी बेटी नहीं है? इस बात का पता तो मुझे लखनऊ में ही लग गया था, लेकिन मालिक, ये खत मैंने सरिता की भलाई के लिए लिखा था। खामोश! तुम्हारी इतनी चुरत! अगर मैं बदला लेना चाहूं तो अपने एक इशारे से तुम्हें खाक में मिला सकता हूं, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ इतनी सजा काफी है कि तुम यहां से चली जाओ। मालिक! जाओ! जो हुक्म मालिक, मगर मुझे एक बार सरिता से मिलने दीजिए मालिक। नहीं, अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छी बात है मालिक, जाती हूँ, मगर सरिता का दिल न तोड़िएगा, वरुण के बगैर कभी खुश नहीं रहेगी। क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम इस घर से इसी वक्त चली जाओ। कहीं से उठाई हुई लड़की आप मेरे लड़के के पल्ले बांधना चाहते, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता जिस हाथ पात का पता हो ना माँ बाप का। सब दरवाजे बंद हो गए, एक रात की बात है, अगर कल शादी न हुई तो सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, सब। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अरुण बाबू कहाँ रहते हैं? ऊपर है। लाली, मास्टर जी से सब कुछ बताने आया था।
हुई ना, तू जा यहां से। अरुण चौधरी साहब, आप? मैं अंदर आ सकता हूं? आइए, गरीब का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता है। अरुण, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। हम गरीबों के यहां खाने के लिए नमक नहीं होता, किसी के जख्मों पर छिड़कने के लिए कहां से आएगा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ अरुण, मेरे झूठे गुरूर की शिकस्त हुई। इस वक्त एक हारा हुआ अमीर और चोट खाया हुआ बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, और वो भी एक कंगाल शायर से अपनी बेटी की खुशी मांगने के लिए, अपनी इज्जत की गिरती हुई दीवार को बचाने के लिए। चौधरी साहब, अब मैं भी जान चुका हूं कि वो लड़की जिसको आपने अब तक अपनी बेटी बना के दुनिया के सामने पेश किया, वो दरअसल आपकी बेटी नहीं है। कौन जाने उसका जन्म भी किसी ऐसे घराने में, किसी ऐसी बिरादरी में हुआ हो जिस बिरादरी को आप जैसे लोग गरीब कहते हैं। अरुण, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक हारा हुआ आदमी हूं। हारे हुए आदमी से बहस नहीं की जाती, उस पर रहम किया जाता। रहम? और आपके मुंह से बड़ा अजीब लगता है। उस दिन की बात आप भूल गए जब आपने अपनी झूठी इज्जत के लिए मेरी बहन की बेइज्जती की थी, और एक ऐसे आदमी का दिल दुखाया था जिसकी नजर में आपकी बेटी मंदिर की मूरत है। लेकिन बेटा, अब तो मैं खुद उसे दुल्हन बनाकर अपने हाथ से उसका हाथ तुमसे मिलाना चाहता हूं। इसलिए कि आज आप मजबूर हैं, लेकिन याद रखिए, मैं आज तक उस प्यार उस लगाव के सहारे जिंदा रहा हूं जो मेरे लिए मेरी बड़ी बहन के दिल में है, और मेरी वो बहन जिस दरवाजे से निराश होकर आई है, मैं उस दरवाजे पर अपनी आशा की चिराग नहीं जलाना चाहता। आप यहां से चले जाइए। अरुण, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। चौधरी साहब, गरीबों की ये छोटी सी दुनिया एक तलैया है, इसमें चांदी का सिक्का फेंक कर यहां की शांति मत छीनिए। यहां प्यार का सौदा नहीं होता। आप यहां से चले जाइए, मेहरबानी करके चले जाइए। क्यों कैसे आई बेटा? याद है एक बार तुमने सरिता से कहा था कि मुझे देखकर तुम्हें अपनी मां याद आ गई थी। आज मां अपने बेटे से कुछ मांगने आई है। तुम्हें जान गए हो कि सरिता चौधरी साहब की बेटी नहीं है, इसलिए उसका रिश्ता एक बड़े घर में होते होते रह गया। लेकिन बेटा, रिश्ता तो दिल से दिल का होता है। जब सरिता का दिल तुम्हें पुकार रहा है तो फिर अपना वर्ष तुम क्यों भूल रहे हो? हाँ, ये ठीक ही कह रही है। इसमें सरिता का क्या दोष है? बाप की जिद की सजा बेटी को क्यों मिले? सजा कैसी? सरिता एक अमीर बाप की बेटी है, वो दौलत से खुशी खरीद सकती। नहीं बेटा, नहीं। अमीरी का गुरूर तो खून में होता है, और सरिता तो चौधरी साहब की गोद ली हुई बेटी है। मैं जानती हूं तुम इसके लिए क्या हो। वो दुनिया भर की दौलत ठुकरा सकती है, मगर तुम्हें नहीं। बेटा, अगर वो जिएगी तो तुम्हारे लिए, और
और मरेंगी तो तुम्हारे लिए। अरुण से छोड़ दो, कह दो तो मैं चौधरी साहब से कह के आती हूँ कि सरिता हमारी हो गई। हो क्या गई, वो तो सदा से इसी घर की थी। कहो बेटा, कहो कि तुम सरिता के आंसुओं को मुस्कान में बदल दोगे। फैसला कर दिया। जीते रहो बेटा, मेरे साथ हो। तुमने सरिता की जिंदगी पर, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। अब सरिता सदा मुस्कुराएगी, सदा मुस्कुराएगी। पूरा किया, अब तो तुम्हारे सपने पूरे हो गए। शादी का शुभ दिन न होता तो मैं ऐसे ही करता। निकाल दो से, निकाल दो बात। क्या जल्दी आया को लिया, इन लोगों ने आया को निकाल दिया। तुम पागल हो क्या? मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए, आया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती। भैया निकाल दिया मुझे, और मैं गठरी छीन रही हूँ, जरूर इसमें चोरी का माल है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, आया कभी चोरी नहीं कर सकता। फिर आई क्यों थी? धूप में बाल नहीं पकाए मैंने, देख ली इसमें चोरी का माल है। तुमसे एक बात छुपा रखी थी, आज से 18 साल पहले मैंने तुम्हें अपने दरवाजे पर पड़ा पाया था। पिताजी। हाँ बेटी, और उसके तुमसे ही रोज मनोरमा आया बनकर इस घर में आई। उस दिन मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन आज आज मुझे कोई शक नहीं कि वो तुम्हारी माँ है। माँ? माँ, वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, उनके होते हुए कन्या दान करने का मुझे कोई हक नहीं। बेटी चलो, बेटी चलो, मैं ढूंढ ला। हाँ बेटी चल। अरुण बेटा, तुम तो जानते हो सरिता मेरी गोद ली हो बेटी। जिस दिन सरिता मुझे दरवाजे पर पड़ी मिली, उसकी दूसरे ही रोज मनोरमा आया बनकर मेरे घर में आ गई। लेकिन उस दिन मुझे बिल्कुल पता न चला कि वो कौन है।
कौन है वो? वो सरिता की माँ है बेटा। माँ? हाँ माँ, वो माँ जो 18 बरस अपनी संतान के लिए आया बनकर बैठी। जानते हो इसके बदले मुझे क्या ही ना मिला, हमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा कर उसे घर से निकाल दिया। बेटा बेटा मैं उसे ढूंढने जाता हूँ, उसके होते हुए ये शादी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बेटा चलिए चलते। लाली तू यहाँ? लाली तूने मनोना को देखा? हाँ मैं उनके साथ ही यहाँ आया था उन्हें वापस ले जाने के लिए। फिर? लेकिन वो नहीं लौटी, कहा लाली तू लौट जा बेटा मैं नहीं लौटूंगी, सरिता की शादी हो गई, उनके सब सपने पूरे हो गए, अब मैं भी उनके पास जा रही हूँ। लेकिन कहाँ है वो, किधर गई? उधर स्टेशन की तरफ। आप क्या कर रहे थे? माँ! किसने मुझे माँ कहा? माँ! कौन? माँ! क्या कहा? माँ! माँ! फिर एक बार कहो, फिर एक बार माँ कहो बेटी। आज 18 साल से यही सुनने के लिए मैं तरस रही थी। मनोरमा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि समानत कमाली कितने बरसों से मेरे ही घर में था, माँ होकर भी बरसों तुमने अपने दिल पर पत्थर रखा, नौकरानी बनकर बेटी की सेवा की, लो आज उसी सब्र का फल तुमको मिल गया। आंसू पोछो बहन, एक माँ की तरह मुस्कुराओ, हंसो हंसो, चलो घर चलो। हाँ हाँ चलो ना, नहीं तो 4 मन मिठाई और 6,000 रसगुल्ले सब खराब हो जाएंगे। चलो ना चलो ना।